लगता है लंबे इंतजार के बाद मध्य प्रदेश के शिक्षकों को ज्यादा ना सही थोड़ी राहत वाली खबर जरूर मिलने वाली है, वो भी महज 7 दिन के अंदर। मामला जुड़ा है उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती से। ईडब्ल्यूएस के 848 पदों की भर्ती के विवाद के चलते साल 2023 से ये भर्ती अटकी हुई है। इसका नतीजा ये हुआ कि स्कूल शिक्षक विहीन हो गए और नया सेशन शुरू हुए 5वां महीना बीतने को है, लेकिन ईडब्ल्यूएस विवाद के चलते रुके इस भर्ती पर गुरुवार यानी 12 सितंबर को जबलपुर हाईकोर्ट की डबल बेंच में सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद एक्टिंग चीफ जस्टिस की बेंच ने इसे अंतिम यानी फाइनल बहस के लिए 19 सितंबर को रखने का आदेश दे दिया है। यानी इस मामले की अंतिम सुनवाई 19 सितंबर को होगी और फिर उम्मीद की जा रही है कि 19 सितंबर के बाद इस मामले पर कोर्ट का कोई बड़ा फैसला आ सकता है। अगर ऐसा होता है तो लंबे इंतजार के बाद इन 848 शिक्षकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद दिखाई दे रही है। अभी पूरा मामला क्या है जिसकी हम आपसे इतनी चर्चा कर रहे हैं, इसकी भी बात कर लेते हैं। दरअसल ये केस 848 ईडब्ल्यूएस के पदों को लेकर साल 2018 की भर्ती परीक्षा का है। जब परीक्षा नोटिफिकेशन आया तब ये ईडब्ल्यूएस के पद नहीं थे, लेकिन बाद में इसका नोटिफिकेशन हुआ। इसमें पहली काउंसलिंग में तो इन पदों पर भर्ती हो गई, लेकिन बाद में दूसरी काउंसलिंग में विवाद हुआ और कुछ लोगों ने ये विरोध किया कि जब नोटिफिकेशन के समय ये पद नहीं थे तो भर्ती नहीं होना चाहिए। विवाद कोर्ट में गया जिसमें 23 फरवरी 2024 को कोर्ट ने आदेश दिए कि इसमें पात्रता परीक्षा में 75 अंक लाने वालों की मेरिट बनाने की प्रक्रिया करने और तब तक भर्ती पर रोक लगाई जाए। बस फिर क्या था, इस पूरे मामले पर डीपीआई ने कोर्ट में फिर से याचिका लगा दी। इस तरह इस पूरे केस में कुल 4 याचिकाएं लगी हुई हैं, वो भी जबलपुर हाई कोर्ट में। इसमें सुनवाई के दौरान लिखित में तो कोई आदेश नहीं आया, लेकिन मौखिक तौर पर कोर्ट ने ये निर्देश दिए कि सिंगल बेंच के ऑर्डर पर यथास्थिति बनाए रखिए। इसके बाद शासन ने भर्ती परीक्षा 2023 में पास हुए उम्मीदवारों के दस्तावेज सत्यापन का काम तो करा लिया, लेकिन ज्वाइनिंग लेटर देने से इनकार कर दिया और तभी से ये ज्वाइनिंग रुकी हुई है। उधर डीपीआई आयुक्त शिल्पा गुप्ता ने तो कोर्ट में जुलाई 2024 की सुनवाई के दौरान लिखित में ये दे दिया कि मौजूदा समय में 2018 की भर्ती परीक्षा को लेकर किसी तरह की कोई भर्ती बची ही नहीं है, यानी डीपीआई सारे पदों को भर चुका है। ऐसे में अब कोर्ट को तय करना है कि 848 ईडब्ल्यूएस भर्ती का क्या किया जाना है और जो 2023 की भर्ती रुकी पड़ी है इसमें आगे क्या किया जाएगा। यानी एक तरफ डीपीआई है जो भर्ती को खत्म मान चुका है, दूसरी तरफ बेरोजगार शिक्षक हैं और तीसरी तरफ है हाई कोर्ट जो अब किसी भी दिन फाइनल सुनवाई के बाद आदेश जारी कर सकता है। तो इंतजार कीजिए 19 सितंबर का और कोर्ट के फैसले का। ये खबर हम आप तक इंदौर से हमारे संवाददाता संजय गुप्ता की मदद से लेकर के आए थे। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए द सूत्र के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट इन्वेस्टिगेटिव और इनडेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasutra.com।